योगी राज भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में इन दिनों श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शास्त्रीय मर्यादाओं एवं परंपराओं के अनुसार अष्टमी तदनुसार दिनांक 26 अगस्त 2024 सोमवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि में योगी राज भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह पूर्वक दिव्य एवं भव्य रूप से मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में योगी राज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में होने वाले आयोजनों को लेकर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा एवं सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्म महामहोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा योगी राज भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव की तैयारियां। कितने दिन नंदगांव रहे, कितने दिन मथुरा रहे, कितने दिन द्वारका रहे, तो अब ये उनका 5251वां जन्मोत्सव मना रहे। एक विशेष तिथि होती है, जैसे हम किसी के स्वर्ण जयंती मनाते हैं, रज जयंती मनाते हैं, हीरक जयंती मनाते हैं, तो सवा 5000वीं वर्ष की हमारी एक विशेष जो है ये तिथि है। और इसके बाद ऐसी तिथि 250 साल बाद आएगी, ऐसा स्वयं मिलेगा, ऐसी तिथि आएगी 250 साल बाद। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान का एक विशेष जन्मोत्सव इस साल मनाएंगे। तो इसीलिए आपके 5251 नाम दिया जा रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये स्वयं हमको प्राप्त होगा 250 साल बाद, क्योंकि वो तिथि फिर बीच में ऐसी जो पूर्ण तिथि कोई भी नहीं आएगी। अभी तो हम कहते थे हम 5-4 साल पहले भगवान का जन्म हुआ, अभी तो हम चर्चा करते थे कि आज से 5-4 साल पहले एक 5000 साल का उल्लेख करते थे। अब हम बोलेंगे 5251 वर्ष पूर्व मथुरा में भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, आप देखते हैं कि जैसे हमारे चिन्ह तो लोग रामजन्म बोलो ने तमाम प्रश्न लगाए, हमारे यहाँ भगवान के लीला स्थल आज भी यथावत मौजूद है। और यहाँ से आगे चल के द्वारका में पुरातत्वविदों ने ढूंढ के निकाल दिया कहाँ द्वारका, पुरानी समुद्र आज भी मौजूद है। हमारे शास्त्रों में ले गया भगवान ने द्वारका डुबो दी थी, जब ज्यादा संहार हो गया तो वो द्वारका डुबो दी थी। और सब लोग इंद्रप्रस्थ मान के जो बचे हुए परिवार के लोग थे वो इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर आ गए थे, तो आज भी वो प्रमाण मौजूद है कहाँ द्वारका मौजूद है, ब्रज मौजूद है, गोवर्धन मौजूद है, जमुना जी मौजूद है। तो भगवान के लीला स्थल आज भी यथावत हमको भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भगवान की जन्म तिथि है जो पूरा उल्लेख है उसका, कितने से कौन सी लीला की और कब भगवान ने ना सजी जो है छोड़ के पूरे गोलोक पर वो प्रस्थान किया, तो ये बड़ा एक दुर्लभ हमको क्षण प्राप्त होगा। इसी भावना से जो पिछले आयोजन किए जा रहे हैं वह इसी भावना से किए जा रहे हैं कि ये इसको स्मरणीय बनाया जाए इस तिथि को हम। और जब यहाँ से जाएगा तो पुष्टवार में चर्चा होगी 5251 क्यों, तो 5251 वर्ष पूर्व भगवान का जन्म हुआ था। और फिर विभिन्न माध्यमों से भेजेंगे पूरा उनका ब्यौरा, कब जन्म हुआ, कितने दिन गोकुल में रहे, कितने दिन जो है मथुरा में रहे, कितने दिन नंदगांव में रहे, फिर कितने दिन द्वारका में रहे, महाभारत का युद्ध कब हुआ, कलाकार आएंगे ये ब्रजभर में जो प्रस्तुतियां आएंगे वो सब कलाकारों की शुरुआत है इसी ने करती है कि हमारा जो बड़ा जो आयुर्वेद चिकित्सालय का प्रांगण है, तो 25 तारीख को सुबह 8 बजे उनका स्वागत करके और उनका शुभारम्भ करेंगे। और फिर वह यहाँ से जा करके ऐसे सरमाई के मकान के आगे होकर के और घूम के पुनः उसका समापन भी नहीं होगा। तो ये भी एक विशेष आकर्षण होता है कि वो कलाकार नहीं प्रस्तुत जम्मू में रहेंगे लेकिन प्रेमंडल में जहाँ जहाँ ये लीला मंच बना रहे हैं वो यही कलाकार प्रस्तुत करेंगे, तो उनका एक ही जगह। अच्छा, वो चलो निकलेंगे तो अपनी कला का प्रदर्शन करते निकलते हैं, वो खाली जड़ों से निकालते हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन करते निकलते हैं। तो ये भी एक आकर्षण होता है, उसका एक प्रदर्शन होगा और अधिकतम सुविधा से लोग आ सके इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है कि जहाँ आने में किसी को कोई परेशानी, इसलिए दर्शन का समय और बढ़ा दिया।
पहले हम दो बजे बंद कर रहे थे, हमने 15 मिनट और बढ़ा दिया कि यदि 1:30 बजे तक कोई भी आ जाएगा तो हमारा पर्सा बहुत बड़ा है, 1:30 बजे तक किसी का प्रवेश हो जाएगा तो उसको 2 बजे तक दर्शन ठाकुर के प्राप्त होंगे। तो पूरी व्यवस्था हमने की है क्योंकि बड़ी भावना से लोग से लोग आते हैं और यदि उनको टाइम पे दर्शन न हो तो बड़े कष्ट से जाते हैं। दूसरा, हम ठाकुर के दर्शन पूरे समय खोलेंगे, जितने भी ठाकुर के दर्शन मिलेंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है बंद में जो एक बार आ गया वो दोबारा आने का उसको मौका नहीं मिलता है, इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि वो क्षमा करेंगे और उनको भोग आरती को तक प्रपन्न होंगे। पहले सुबह 5 बजे से लेके और रात को 2 बजे तक ठाकुर के दर्शन जो भी भक्त आ जाएगा उसको यहाँ दर्शन उपलब्ध होंगे, वो वंचित होकर के यहाँ से नहीं जाएगा। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का 5251वां प्राकट्य महोत्सव जन्म महोत्सव भगवान श्री कृष्ण की पुण्य पवित्र जन्मभूमि पर बड़े ही धूमधाम भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं को जो पधारेंगे उनको तो आनंद की अनुभूति हुई, विभिन्न माध्यमों से टीवी आदि के माध्यम से जो श्रद्धालु भगवान के 5251वें ऐसे विशिष्ट जन्मदिन के दर्शन करें, जन्म महोत्सव के दर्शन करें, उनको भी पूर्णानंद की प्राप्ति हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। शास्त्रीय मर्यादाओं, धार्मिक परंपराओं और अपने जितने भी ब्रज की विधाएं हैं, ब्रज के हमारे इस जन्मोत्सव की जितनी भी हमारी विधाएं हैं उनका पालन करते हुए भगवान का ऐसा विशिष्ट जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस वर्ष भगवान, क्योंकि भगवान का प्राकट्य चतुर्भुज नारायण रूप में हुआ, तदुपरांत भगवान ने कृष्ण बाल स्वरूप धारण किया, तो भगवान का जो एक चिन्ह है पद्म, तो इस बार जो पुष्प बंगला बन रहा है उसमें पद्म को बहुत प्रमुखता के साथ में उत्कीर्ण किया जाएगा। तो श्री ठाकुर जी इस वर्ष पद्म कांति पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण की जो पोशाक है उसमें सोम वर्ग की लता पत्ताओं और बेलों को उत्कीर्ण किया गया है, तो उस पोशाक का जो स्वरूप है बहुत ही मनोहारी दिव्य और अलौकिक होगा। तो इस वर्ष श्री राधा कृष्ण युगल सरकार श्री हमारे ठाकुर जी सोम चंद्र का पोशाक धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे। पूर्व की भांति भगवान सूप में विराजमान होकर मूर्छला आसन में विराजमान होकर अभिषेक स्थल पर पधारेंगे। तो इस वर्ष जो कार्यक्रम, जो हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है 25 तारीख को, जो सभी भक्तों को बहुत प्रतीक्षा रहती है कि ठाकुर जी की पोशाक का स्वरूप क्या होगा, ठाकुर जी की वो पोशाक के दर्शन कैसे हों, तो पूर्व की भांति सायंकाल 6 बजे अन्नपूर्णेश्वर महादेव परिसर अन्न क्षेत्र परिसर से भव्य शोभा यात्रा जो गाजे बाजे ढोल नगाड़े मृदंग की मंगल ध्वनि के मध्य निकलेगी, उस शोभा यात्रा के माध्यम से भगवान केशव देव, भगवती अष्टभुजा योगमाया जी, श्री गर्भगृह जी और श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की भव्य और दिव्य पोशाक अर्पित की जाएंगी, जिनको धारण करके भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्तों को दर्शन देंगे। तो ये कार्यक्रम सायंकाल 6 बजे होगा। तदुपरांत 25 तारीख को ही, चूंकि इस वर्ष 5251वां जन्म महोत्सव है, इसलिए विशिष्ट रूप से 5251 गौ ग्रह गैया के घी के से दीपक जलाए जाएंगे और इस महोत्सव के आनंद में इससे निश्चित ही वृद्धि होगी। ये भी 25 तारीख को कार्यक्रम होगा। तो जन्माष्टमी पर 26 तारीख को भगवान की प्रातः 5:30 बजे मंगला आरती होगी। तदुपरांत 8 बजे भगवान का
जन्म भगवान का प्रातःकालीन अभिषेक होगा। जिस कार्यक्रम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत होती है पुष्पांजलि कार्यक्रम, वो 9 बजे भागवत भवन में श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के श्री चरणों में कमल पुष्प गुलाब आदि के पुष्प और तुलसी पत्र से भगवान का पूजन अर्चन गणेश पूजन आदि के बाद ये पुष्पार्चन कार्यक्रम पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा, जिससे महोत्सव की शुरुआत होगी और इसी मध्य जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का संकल्प भी होगा। जो मुख्य कार्यक्रम जिसके लिए देश विदेश के हमारे और हमारे ब्रज के देश विदेश के श्रद्धालु जिस कार्यक्रम की प्रतीक्षा करते हैं भगवान के उस दिव्य महोत्सव के दर्शन की, वो कार्यक्रम रात्रि 11 बजे श्री गणेश नवग्रह आदि के पूजन के माध्यम से प्रारंभ होगा। तदुपरांत भगवान का सहस्त्रार्चन कमल आदि पुष्पों के द्वारा तुलसी पत्र के द्वारा किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम लगभग 11:55 तक चलेगा। 11:59 पर 1 मिनट के लिए ठाकुर जी के दर्शन मंदिर के कपाट पट बंद हो जाएंगे। रात्रि ठीक 12 बजे संपूर्ण मंदिर परिसर घंटे घड़ियाल ढोल नगाड़े मृदंग झांझ मजीरे और विशेष रूप से उज्जैन से पधारे सिद्ध विशिष्ट डमरू वादकों के डमरू की मंगल ध्वनि के मध्य 12 बजे भगवान के प्राकट्य दर्शन होंगे। 12 बजे तक और प्राकट दर्शन के साथ ही भगवान की प्राकट आरती शुरू हो जाएगी और ये रात को 12:10 तक चलेगी। तदुपरांत भगवान का प्रथम अभिषेक कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय के पयोधर दूध के द्वारा किया जाएगा। तदुपरांत भगवान कमल पुष्प में विराजित होकर उनका जन्म महाभिषेक किया जाएगा। 11:45 और 50 मिनट के बीच में भगवान का श्रृंगार होगा और 12:55 पे भगवान की श्रृंगार आरती होगी। मंदिर परिसर में जन्म स्थान के प्रवेश द्वार जो 3 नंबर गेट होगा जो गोविंद गेट होगा गोविंदनगर क्षेत्र से 11:30 तक निर्वाध प्रवेश सुनिश्चित होगा। तो जो श्रद्धालु प्रवेश कर जाएंगे तो 2 बजे के लगभग शयन आरती होगी। तो जो श्रद्धालु मंदिर से प्रवेश कर जाएंगे प्रवेश मंदिर परिसर में आ जाएंगे उनको दर्शन प्राप्त होंगे। संस्थान के 1:30 बजे हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य चरण महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उनकी ऐसी दिव्य उपस्थिति में इस जन्म महोत्सव का जो कार्यक्रम है वह संपन्न होगा और भक्तों को ऐसे दिव्य कार्यक्रम के दर्शन प्राप्त होंगे।